तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धनदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको चौथा और पांचवा अंक भेज रहे हैं। राम राम। आज आपको पत्रिका भेजने की तैयारी है, चौथा और पांचवा अंक एक साथ जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये चौथा अंक नहीं आ पाया था, तो दोनों अंक मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप देख रहे हैं ऑफिस में आपको भेजने के लिए ये बंडल बना लिए गए हैं, और डाक विभाग से 3000 पत्रिकाएं पंजीकृत होकर जाती हैं। तो ये ऑफिस से जब ये लिख जाती हैं और आपके पास कैसे पहुंचती हैं, ये हम आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पहला जब ऑटो जाता है यहाँ से तो मैं स्वयं उसमें बैठ के जाता हूँ। इसको ये सागर जी ले जा रहे हैं, ये पैकेट, और अभिषेक ये देख लीजिए, आप दोनों लड़के मेहनत करते हैं। और यहाँ पर ये रिक्शा चालक भारत सिंह हैं जो टोड़ोपुर गाँव से आते हैं और यहाँ बेवर में रिक्शा चलाते हैं। तो कई कई लोग आते हैं, सौभाग्य ये है कि आज की ट्रिप में ये पहली ट्रिप में आ गए हैं, तो इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑफिस से आप तक कैसे पत्रिका पहुँचती है, डाक विभाग में कैसे वहाँ पर ये सब काम होता है, मैं सब दिखाना आपको चाहता हूँ। 3000 पत्रिकाओं की अनुमति डाक विभाग द्वारा पंजीकृत डाक से भेजने की है, और जिसका भरपूर फायदा हम उठाते हैं, और आप तक पंजीकृत डाक से घर बैठे पत्रिका आपको आप तक पहुंचती है। पूरा हिसाब रहता है, जो नंबर ट्रैकिंग होता है वो भी हम सब आपको बताते हैं। और ये पहला समर्पण यानी पहली डाक चल पड़ी है घर से, और विधिवत रूप से ये भारत सरकार के डाक घर में अभी पहुंचेगी। आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूं। आज ये आ गए हम उपडाक घर बेवर में, यही यहाँ से आपकी पत्रिका डिस्पैच होती है। चौथा अंक आपका कोरोना की वजह से रुक गया था, और उसके साथ ही आपका ड्यू हुआ जुलाई में पांचवा अंक। तो पांचवा अंक आप देख रहे हैं मेरे हाथों में है, और चौथा अंक पुष्प मास्टर साहब के हाथों में है, जरा दिखाने का कष्ट करें इस तरह से। तो ये दोनों अंक आपके पास आ रहे हैं, और जब ये पोस्ट होने आती है डाकघर में तो एक उत्साह का वातावरण होता है, क्योंकि इस पर महाराज जी छपे होते हैं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो आपसे बात करता रहता हूँ, आज मैं बात कराता हूँ। ये देखिए आपकी पत्रिका सब तैयार है पोस्ट ऑफिस में, अगर लेट पहुंचे तो आप इनसे शिकायत करना, और अगर जल्दी पहुंच जाए तो इन्हें धन्यवाद देना। मैंने अपना काम कर दिया है। ये मिस्टर क्या नाम है आपका? रजनीश। किस पद पर हैं आप? पोस्टमास्टर। ये पोस्ट मास्टर हैं। आपका क्या नाम है? अतुल पांडे। आप यही काम करते हैं यानी ये पत्रिका भेजते हैं। तो रजनीश जी, ये बताइएगा कि जब ये पत्रिका आपके यहाँ आती है तो क्या लगता है? ऐसा सब लोगों के चेहरे खिले खिले हैं, जरा धर्मेंद्र जी हंस रहे हैं, जरा उनको अभी ले लीजिएगा, मुस्कुराते हुए चेहरे कुछ कहते हैं, आप अपने शब्दों में कहें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 वर्षों से जी इस डाकघर में उपडाकपाल के पद पे कार्य कर रहा हूँ जी, और तभी से ये धर्म दृष्टि पत्रिका लगातार बुकिंग ऐसे करके दिखा दीजिएगा, लगातार बुकिंग के लिए हमारे कार्यालय में आ रही है जी। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये भी पकड़ ली जाती है हमारे जी जी कार्यालय में जी, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जी। और चूंकि इस पे बाबा जी की फोटो लगी होती है, बाबा जी से जुड़ी हुई ये पत्रिका है जी, तो इनके जीवन के बारे में काफी चीजें मिलती हैं, पता लगती हैं चीजों के बारे में, समय से हो जाती है, बहुत समय से इसके लिए मैं 10 तक मीडिया के जो सदस्य हैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। मित्रों, ये सभी लोग बड़े स्नेह के साथ आपको पत्रिका भेजते हैं, और एक बात पोस्ट मास्टर साहब ने नहीं बताई, मैं भारत सरकार को डाक विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने इसको पंजीकृत करके रियायती दर पर, ऐसा ही है ना, रियायती दर पर जो जो न्यूज़पेपर के लिए होता है, क्योंकि आपकी पत्रिका रजिस्टर्ड है RNI में रजिस्टर्ड है, तो इसलिए ये सुविधा आपको मिली है। अगर इसको मैं अपने व्यक्तिगत रूप से करूं तो शायद पंजीकृत डाक से आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए हम आप सबकी तरफ से इस पूरे डिपार्टमेंट को धन्यवाद कहते हैं, और बोलते हैं बोलो बाबा नीम करोरी की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो